हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए दो बाइंग साइड के और दो सेलिंग साइड के स्टॉक लेके आया हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी मार्केट की कंडीशन क्या है। पैनिक बहुत है मार्केट में, और ये इंडिया वीक्स भी देखोगे तो पैनिक की वजह से हाई पे जा रही है, यानी कि निफ्टी में यहाँ से वॉलीटिलिटी बढ़ सकती है, नीचे भी 200-300 पॉइंट भी जा सकती है और ऊपर की साइड भी जा सकती है। तो उसकी वजह से अभी अपने स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि रोज अपनी स्ट्रेटेजी एक ही रहेगी, अभी जब मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपने को थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी मैं आपको दो बाइंग साइड के स्टॉक बताऊंगा और दो सेलिंग साइड के स्टॉक बताऊंगा। तो सेलिंग साइड के रहेगी वो प्योरली इंट्राडे के हिसाब से रहेंगे, और बाइंग साइड में आप आराम से उसको ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ऐसे मार्केट में पैनिक होता है, क्योंकि अभी आपको भी पता है कोविड की वजह से पैनिक हो रहा है, तो ऐसे में सारे जितने भी फार्मा सेक्टर के है, फिर आईटी स्टॉक है, वो सब ऊपर जा रहे हैं, तो वो उसमें आप पोजीशन बना के रख सकते हो। तो उसके हिसाब से अपने थोड़े स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। तो अभी मैं आपको चार स्टॉक बताऊंगा जो आप कल 22 दिसंबर को बाय कर सकते हो। उससे पहले आपने 21 दिसंबर को एक बीएलएस दिया था, बाय एंड डिप बोला था, 192 पे बाय बोला था, 191 पे अभी चल रहा है, तो यानी कि कॉल एक्टिव हो गया, उसमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ, इसलिए पोजीशन बना के रख सकते हो। उसके बाद पैनर इंडस्ट्री था, 61 पे बाय बोला था, स्टॉक ने बहुत गिरावट भी आ गई और 59 का अपना स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया था। और रेणुका में अपने बाइंग लेवल के ऊपर स्टॉक गया नहीं था, उसकी वजह से इनवैलिड सेटअप पे। और प्रिकॉर लिमिटेड में भी आपको पता है अपने 217 का लेवल था, और आज का हाई देखोगे तो 216.9 का हाई था, यानी कि वो भी स्टॉक 10 पैसे से रह गया और स्टॉक में भारी गिरावट नीचे की साइड आ गई थी, तो वो भी इनवैलिड सेटअप हो गया। तो आपको इसलिए गाइस मैं बोलता हूँ लेवल्स बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दो तीन बार देखते हैं कि इनके तो स्टॉक सारे ऊपर चले जाते हैं, तो अभी मैं होल्ड करके रखता हूँ, ऐसा नहीं होता। जब गिरते हैं तो वो फिर आपको वो लेवल मिलते नहीं और बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है, इसलिए आपको जो भी लेवल दिया वहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कोई भी ट्रेड देता हूँ तो उसका स्टॉप लॉस आपको दे ही देता हूँ, तो उसके बाद आपको पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जब भी स्टॉप लॉस हो तो वहाँ पे एग्जिट करने का ट्राई करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था कि मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, इसीलिए आपको टाइट स्टॉप लॉस से पोजीशन बनानी है, यानी कि अगर हो जाता है तो एग्जिट करना है। उससे क्या होगा कि आपकी पोजीशन हल्की हो जाएगी, और मार्केट में कल अगर बहुत बड़ी गिरावट आएगी तो आपके पास कम बाइंग वाले स्टॉक होंगे। तो अभी अपने चलेंगे उससे। अगर आपको गाइस मार्केट वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था आपको कि ऑप्शन सेलिंग सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास 4 लाख का फंड है तो उसको आपको पता है मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में अपने पोजीशन बनाई थी, 5 दिसंबर को बनाई थी, उसमें भी अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। आज मैंने इसमें एडजस्टमेंट कराया था, जो 18,200 का पीई था, 2 लॉट सेल किया था, वो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट तो नहीं, उसमें लॉस ही आ गया था, 140 के आसपास चल रहा था। वहां पे उसको बोला था कि स्क्वायर अप करना था, उसमें 7,000 का लॉस आया। इतना लॉस आने के बावजूद भी अभी भी प्रॉफिट में चल रहे थे, क्योंकि इसमें क्या करते हैं अपने एडजस्टमेंट करते रहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो अपना एस्टिमेट मार्जिन कितना है, 2,41,000 यूज हुआ, लेकिन मैं आपको 4 लाख इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। अभी इसमें अगर समझो कि मार्केट, जो लोग को ऑप्शन सेलिंग का पता होगा उनको पता चलेगा, यहाँ से देखो कि ये पीओ ग्राफ है, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से नीचे है, निफ्टी 100, 200, 500 के 1,000-5,000 भी कल नीचे खुलेगी, तो भी अपना इसमें फिक्स लॉ प्रॉफिट मिलेगा, वो भी रहेगा 9,200 का प्रॉफिट मिलना ही है। ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 18,592, यानी कि 18,600 का, यानी कि ऊपर की साइड भी अभी 400 पॉइंट की गैप है, मतलब वहां तक जाएगा तो भी वहां पे भी प्रॉफिट हो सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग का सबसे बेस्ट यही फायदा होता है कि मार्केट कहीं पे भी जाता है, आपके पास और चांस होता है कि वहां से एग्जिट करो या तो उसको एडजस्टमेंट कर सको। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करना चाहते हो तो वे फ्री ऑफ कॉस्ट में व्हाट्सएप पे ग्रुप पूरा बनाया हुआ है, उस पे मैं अपडेट देता ही रहता हूँ कि एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना। मैंने 2 पोजीशन बना के रखी है, दोनों पोजीशन बहुत अच्छे से काम कर रही है अभी। तो ये मैंने 5 दिसंबर को बनाई थी, अभी उसमें 2600, एक्चुअली आज सुबह 7,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मार्केट में अचानक गिरावट बढ़ गई, इसके लिए अभी 2600 है। लेकिन ये भी मेरे को पता है कि अगर निफ्टी 18,600 के नीचे ही रहेगी, 29 को, यानी कि अभी कितना दिन बचा, 7-8 दिन बचा, वहां तक रहेगी तो अपने को प्रॉफिट 9,200 मिलना ही। और आपका कितना मार्जिन यूज हुआ, 4 लाख अपने पकड़ेंगे, ये अपने काउंट नहीं करेंगे 2,41, अपने 4 के हिसाब से रिटर्न काउंट करेंगे। तो 4 लाख पे अगर आपको 9,000 मिलता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला, 2 या 2.5% आपको रिटर्न मिल सकता है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन सेलिंग में सबसे बढ़िया होता है, लेकिन इसमें आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है।
अभी अपने चलेंगे तो आप टेलीग्राम पे यहाँ पे देखोगे तो मैंने ऑप्शन सेलिंग का पिन मैसेज दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहां पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो अभी अपने जेबी केमिकल आपको भी बताया, अभी फार्मा सेक्टर ये पैनिक टाइम पे आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ सकती है, इसी की वजह से अपने जेबी केमिकल फार्मा को बाय करने का ट्राई करेंगे, और सिंपल से अपने एनालिसिस में भी ये स्टॉक आ रहा था उसकी वजह से ही बाय कर रहे हैं। तो आपको भी पता है अपने बायोन डिप विथ एडीएक्स करते हैं, बायोन डिप विथ एडीएक्स क्या बताता है कि वो स्टॉक स्विंग लिया है कि और उसका लास्ट स्विंग हो सकता है, ये सेटअप अपने को बताता है। तो अभी इसको बाय करना है तो डेली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। तो डेली चार्ट में यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक का नाम, यहाँ पे देखोगे तो डेली चार्ट है, स्टॉक का नाम है जेबी केमिकल फार्मा। तो बाय करने का रीजन क्या है, बाय एंड डिप विथ एडीएक्स है। तो यहाँ पे देखोगे तो रूल्स क्या है, एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होती है, विलियम्स आर की वैल्यू -80 आती है, तो वो स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का तो सपोर्ट ब्रेक कर दिया है उसने, लेकिन अगर स्टॉक समझो कि ये स्टॉक का लास्ट स्विंग हो सकता है, क्योंकि नीचे का सेटअप तो यही बता रहा है कि स्टॉक ऐसे रिवर्स मार के ऊपर जा सकता है। और आपको भी पता है जब भी कोविड का टाइम आता है ऐसा कुछ भी होता है तो फार्मा सेक्टर पहले ऊपर जाता है। तो आपको अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर समझो जाता है, ये जो आज उसने इसका हाई ब्रेक करता है कल स्टॉक, तो क्या होगा, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है उसके ऊपर फिर से स्टॉक ट्रेड करना चालू कर देगा और फिर से ऊपर की साइड जा सकता है, और ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो जेबी केमिकल फार्मा आपको अभी 2011 है तो अभी बाय नहीं करना, अगर कल 2040 के ऊपर जाता है वहां पे बाय करना है, 1980 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 2100 और 2150 के स्टॉक 1 से 7 दिन में दिखा सकता है। तो देखो यहाँ पे टाइम पीरियड 1 से 7 दिन लिया, क्योंकि अपने फार्मा सेक्टर पे भरोसा कर सकते हो और वहां पे बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ सकती। अगर पैनिक आएगा मार्केट में तो ये पूरा सेक्टर ऊपर जाने के बहुत ट्राई करेगा। जैसे आपको पता है संडे को अपने सिप्ला दिया था 1090 के आसपास, तो सिप्ला का आज ही देखोगे तो 1123-25 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो सारे फार्मा सेक्टर अभी ऊपर ही जा रहे हैं। तो आपको मार्केट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ सकती है। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया जो आप बाय कर सकते हो। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है डिवीस लैब। डिवीस लैब भी आपको पता होगा अपने मल्टीबैगर स्टॉक में दिया हुआ है, 3270 के आसपास दिया हुआ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन वही लेवल था। तो डीवी स्लैब भी आपको बाय करना है, उसके पीछे का भी लॉजिक समझा देता हूँ। और मेन इसके सिलेक्ट करने का मेन वही मोटो है कि पैनिक है अभी कोविड का, उसकी वजह से मैं सेक्टर को सेक्टर के स्टॉक ले रहा हूँ। तो अभी आपको संभाल के ट्रेडिंग करना है, अगर हो सके तो जितना हो सके पोजिशन कम करो, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करो ऐसे माहौल में। तो ट्रेडिंग अबो सप्लाई जोन विथ वॉल्यूम, तो सिंपल सा इसमें चार्ट भी आपको बता देगा और आपको पता भी चल जाएगा कि सही में देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छे है और उसका सप्लाई जोन, सॉरी ये जो उसका पहले क्या था सपोर्ट जोन था, ये क्या था सपोर्ट जोन था, ये भी सपोर्ट था, और उसका सपोर्ट जब भी ब्रेक हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई जोन हो गया। तो सप्लाई जोन के यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आना चाहिए था स्टॉक, लेकिन आप देखोगे तो उसने क्या किया, सप्लाई जोन के ऊपर पूरे वॉल्यूम के साथ अच्छे से ऊपर की साइड क्लोज दिया। ये क्या इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक यहाँ से फिर से ये लेवल फिर से दिखा सकता है, तो वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो अभी ये स्टॉक को मेरे को बाय करना है, तो मैं इतना दूर तो स्टॉप लॉस लगा नहीं सकता क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे सेटअप है मैं आपको समझाता हूँ। तो सिंपल सा उसमें मैं कम रिस्क वाला कैसे बाय करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 घंटे में चला जाऊंगा, 1 घंटे में मैं जाके देखता हूँ कि कहाँ पे ये लाइन आ रही है, तो वहां पे मैं फिर से बाय ऑन डिप वाला स्टॉक इसको मान सकता हूँ। अगर हल्की सी भी कल गिरावट आती है तो वहां पे ये लाइन से फिर से स्टॉक हो, क्योंकि अब वॉल्यूम तो सपोर्ट दे ही रहे हैं। वॉल्यूम को किसको सपोर्ट दे रहे हैं, ये एरिया को सपोर्ट दे रहे हैं, ये उसका एरिया अच्छे से ऊपर की साइड गया है, यानी कि ये जो वॉल्यूम ने बाय किया है स्मार्ट मनी ने, अगर स्टॉक फिर से नीचे भी आता है तो भी वो बाउंस बैक करके ऊपर चला जाएगा। तो आपको इसको बाय करना है, लेकिन यही एरिया में बाय करना है, क्योंकि अभी उसका पहले सप्लाई जोन था, वो अभी स्टॉक का क्या हो गया, यहाँ पे डिमांड जोन बनने वाला है। तो अभी आपको इसको बाय करना है, लेकिन गिरावट पे, हल्का सा गिरावट पे बाय करना है। उससे क्या होगा आपका, अगर कल मार्केट ऊपर जाता है तो आपका जेबी केमिकल फार्मा एक्टिव हो जाएगा, अगर कल निफ्टी समझो नीचे 100-200 खुलती है नीचे, तो आपका ये कॉल एक्टिव हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी डिवीस लैब का सीएमपी कितना है, अभी 3518 के आसपास है, तो अभी बाय करना है, अभी बाय नहीं करना है, गिरावट पे बाय करना है, 3470 पे बाय करना है। गाइस जो भी मैं आपको लेवल देता हूँ प्लीज गाइस आपको लिख के रखने पड़ेंगे, और स्टॉप लॉस होता है तो एग्जिट भी करना पड़ेगा। 3445 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3650 के टारगेट 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया डीवी स्लैब, जो आप कल बाय कर सकते हो,
और अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा, लेकिन इसको गाइस ध्यान से सुनना, प्योरली इंट्राडे। मैं कभी जिंदगी में भी इंट्राडे इतना नहीं देता, आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, लेकिन अभी मार्केट के हिसाब से अपने को थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, उसकी वजह से मैं प्योरली इंट्राडे दे रहा हूँ। लेकिन आपको इंट्राडे में भी क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। 1 घंटे के कैंडल के ऊपर एनालिसिस कर, आज तक आपने 1 घंटे पे कभी एनालिसिस नहीं किया, लेकिन अभी इंट्राडे करना है तो आपने 1 घंटे पे जाएंगे। CDSL स्टॉक का नाम है, तो इसको आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है। उसके पीछे का लॉजिक भी अपने देते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी स्टॉक दे दिए। सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंट, अपने अब तक पहले क्या देते थे, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, यहाँ पे क्या दिया, सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंट। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक को 1 घंटे में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी देखोगे तो कंसोलिडेट किया बहुत बार, और फाइनली उसने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के साथ वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे आप सेल करोगे तो आपका ये लेवल है क्या है? अभी क्या हो जाएगा, उसका जो सपोर्ट था अभी रेसिस्टेंट का काम करेगा। तो अभी आपको इंट्राडे में सेल करना है तो यहाँ पे सेल करोगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए अभी CDSL का 1161 है तो आपको अभी बाय नहीं करना। हल्का सा कल अगर निफ्टी ऊपर खुलता है और 1170 के आसपास आता है, वहां पे आपको क्या करना है, बेचना है, और आपका स्टॉप लॉस ये रहने वाला है, 1190 का स्टॉप लॉस रहने वाला है। 1150 और 1140 के लेवल फिर से कल के लिए स्टॉक दिखा सकता है, अगर कल ये लेवल नहीं आते तो आपको 320 से 325 को जो भी लेवल है वहां पे एग्जिट करने पड़ेगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड देख सकते हो इंट्राडे है, तो आपको इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। जो 1170 पे आपको बेचना है और क्लोजिंग प्राइस पे अगर टारगेट नहीं आता तो एग्जिट करना है, या तो 1150 पे एग्जिट कर सकते हो, या तो 1150 आता है तो स्टॉप लॉस ट्रेड करके 1140 पे भी एग्जिट कर सकते हो। तो ये अपना तीसरा स्टॉक हो गया CDSL, जो आपको प्योरली क्या करना है, बेचना है, लेकिन सेल ऑन राइज करना है, और वो भी इंट्राडे पे, ध्यान से सुनना गाइस, इंट्राडे। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक देता हूँ, वो भी प्योरली इंट्राडे रहेगा, पोकरना स्टॉक का नाम क्या है, इसको भी आपको क्या करना है, बेचना है लेकिन सेल ऑन राइज करना है। इसको भी मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। 1 घंटे के कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम है पोकरना, और उसको बेचने का मेन रीजन क्या है, इसमें भी सेम है, आप देखोगे तो वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुआ है, और तो उसका ये जो पहले सपोर्ट एरिया था वो फाइनली ब्रेकआउट दे दिया, और उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर रिजेक्शन लिया, नीचे आया, और यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल स्टॉक में हल्का सा भी ऊपर की साइड आता है तो यहाँ से फिर से उसको रिजेक्शन आ सकता है और स्टॉक में फिर से गिरावट आ सकती है। तो अभी पोकरना का CMP कितना, 378 के आसपास है, तो आपको सेल ऑन राइज करना है। स्टॉक में ऊपर जाता है 382 पे ही बेचना है, 386 का स्टॉप लॉस लगाना है, इंट्राडे ही रहेगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। 378 और 375 के लेवल एक कल के लिए स्टॉक दिखा सकता है, प्योरली इंट्राडे होगा। अगर 382 के बाद अगर स्टॉक समझो 380 पे ही बंद हो जाता है तो वहां पे भी एग्जिट करना पड़ेगा, टारगेट का वेट मत करना, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पे भी आप एग्जिट कर सकते हो। अगर टारगेट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो क्लोजिंग प्राइस पे आप इसको एग्जिट कर सकते हो। तो गाइज मैंने आपको 4 स्टॉक बताया, 4 में 2 स्टॉक ऐसे है जो आप पूरा वो सेक्टर के स्टॉक है, फार्मा सेक्टर के, इस पर आप भरोसा कर सकते हो, और इसको आप 1 से 7 दिन पोजिशन बना के रख सकते हो। तो बाइंग साइड के 2 स्टॉक है, JB केमिकल फार्मा और DV स्लेब, सेलिंग साइड में CDSL रहेगा जो प्योरली इंट्राडे रहेगा, और पोकरना को भी आपको प्योरली इंट्राडे करना पड़ेगा। क्योंकि गाइज आपको भी बताया कि अपने एक ही स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं चल सकते, टाइम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको बताया ये 4 स्टॉक। तो गाइज प्लीज 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 अभी भी बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। आज के वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में।